सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षय मान है, मैं वसुदेव डेयरी फार्म से हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, और ये सभी जो बिल्कुल फ्रेश डेयरी फार्मर्स हैं उनके लिए है। फार्मर्स मेरे पास आते हैं और बहुत डरे हुए हैं। वो एक ही क्वेश्चन पुट करते हैं कि डेयरी में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, डेयरी करें ना करें, किस तरह की डेयरी करें। तो बहुत सारे उनमें क्वेश्चन है जिनका आंसर हम अपने एक्सपीरियंस पे, जितना हमें अपना एक्सपीरियंस है, डेयरी के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बिना ये काम पॉसिबल नहीं है। थ्योरिकल भी ज़रूरी है, थ्योरिकल ज़रूरी है, पर थ्योरिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़रूरी है। तो इसलिए मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पास, अपने कस्बे में, अपने तहसील में अगर कोई भी अच्छा डेयरी फार्मर है तो आप उनसे मिलो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो अपने फार्म में ट्रेनिंग दे आपको, और वहाँ कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर की ट्रेनिंग करो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डेयरी फार्म का बिजनेस है वो बहुत ही, उसमें बहुत सारी बातें हैं। देश हित में आप काम कर रहे हो, अच्छा दूध बेच रहे हो, आपने बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा है, जो लोग आपके कस्टमर हैं और जो आपसे दूध ले रहे हैं, अगर वो आपसे सेटिस्फाइड है तो आप उनको और बहुत सारी चीज़ें सेल कर सकते हो। और 365 दिन का रोजगार है, एक दिन भी मिसिंग नहीं है। तो मैं ये कॉन्फिडेंस दिलवाना चाहता हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई है, मुझसे खुद से, और वो गलतियाँ सिर्फ एक ही रीज़न से हुई है कि मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया। इसमें थ्योरिकल करता रहा तो प्रैक्टिकल बहुत कम करने किया मैंने, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, पर कम करने की वजह से मुझे नुकसान हुए। फार्म करने के बाद मैं कहीं जा नहीं सकता था, फिर भी मैं बहुत कोशिश करता था सेमिनार में जाने के लिए, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाता था, पर मेरे पास इतना समय नहीं था। तो इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक तो फार्म करने से पहले ट्रेनिंग लें, फार्म करने के बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ी परेशानी है जो सभी डेयरी फार्मर्स मेरे से शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, सर हैंड मिल्किंग करें या काओ को मशीनीकरण से दूध निकालें। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हैंड मिल्किंग एक टफ प्रोसेस है। जो टफ प्रोसेस है वो थोड़े दिन के लिए होता है। टफ में क्या रहता है, बहुत सारी समस्याएं रहती है, जैसे लेबर की है और है। अगर अपन 2 गायें रखें, चाहे 5 गायें रखें, चाहे 10 गायें रखें, अगर अपन पहले दिन से मशीन ले आए तो अपन बहुत इजी हो सकते हैं, और मशीन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए मैं सभी को ये समझाना चाहता हूँ कि मशीनीकरण से ही दूध निकालें, चाहे 1 गाय है, चाहे 2 गाय है, चाहे 10 गाय है, क्योंकि आज के टाइम में जो काउज का मिल्क है, उस काओ मिल्क के अंदर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जैसे 30 लीटर वाली गायें हैं, 25 लीटर वाली, 40 लीटर वाली गायें, वो गायें आपको मिल्क हैंड मिल्किंग में टफ हो जाएगा उसका दूध निकालना। जो गाय 25 और 30 लीटर मिल्क जो दे रही है वो हैंड मिल्किंग से प्रोसेस में नहीं आती, क्योंकि अभी जो अपन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, ब्रीडिंग के अंदर जो अर्डर तैयार हो रहे हैं, वो अर्डर की जो शेप है वो हैंड मिल्किंग से डिस्टर्ब हो जाती है, लेवा टेढ़ा हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो जब हम सेल करते हैं तो ये बड़ी चुनौती बनती है। इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि मशीन खरीदे, मशीन से आप खुद इजी हो जाओगे, एनिमल इजी हो जाएगा, और लेबर से आप छुटकारा अपना पा सकते हैं, क्योंकि लेबर का ऐसा सिस्टम है, लेबर आज है कल नहीं है। तो एकदम हैंड मिल्किंग में बहुत सारे संकट आते हैं। इसलिए मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि मशीन ज़रूर खरीदें। ये इस टॉपिक पे चर्चा आज यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, और दोबारा आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार।